नमस्कार, भारत लाइव में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। लालू समर्थक यानी कि कहें कि राजद समर्थक के लिए कल एक बड़ी खुशखबरी आ सकती है, क्योंकि कल लालू प्रसाद यादव जो जेल में चारा घोटाले में हैं, उनका आज कल सुनवाई होनी है। और कल ये बड़ी खबर आ सकती है कि जमानत पर सुनवाई होनी है और वो रिहा हो सकते हैं, कल जेल से बाहर निकल सकते हैं। ये लालू समर्थक और जितने भी राजद के, खास करके महागठबंधन के जो भी समर्थक हैं, उसके लिए एक बड़ी खबर हो सकती है। इसी बीच हम आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से लालू प्रसाद यादव का सुनवाई टाला जा रहा है, लगातार हम सब बता रहे थे कि अब सुनवाई होगी, अब जेल से बाहर होंगे। जिस तरह से लगातार उनकी जेल से बाहर जो रिहा होंगे, उनकी सुनवाई को बार बार टाला जा रहा था, लेकिन कल 27 नवंबर है, यानी कल का दिन अहम है। और लालू यादव 5 में से 4 मामलों में चारा घोटाले में दोषी पाए गए हैं, जिसमें से 4 में से 3 में उनको जमानत मिल गई है। वहीं चारा घोटाले के 5वें मामले में डोरंडा कोषागार में कल सुनवाई होनी है। अगर कल सुनवाई हो जाती है तो कल वो हो सकते हैं, कल से 1 से 2 दिन में वो जेल से जमानत पर रिहा हो सकते हैं। उसके बाद राजद के कुनवे में, राजद के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ सकती है। वहीं अगर हम बात करें लालू प्रसाद यादव का एक ऑडियो वायरल होने के बाद से बिहार में, खास करके बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। वहीं इस भूचाल के कारण कहीं ना कहीं ये मामला पेच फंसता नजर आ रहा है कि पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का बयान और इसको लेकर के जो बातें कल चल रही थी और एक ऑडियो वायरल हुआ, इसके बाद से ये मामला पेच फंस रहा है। और इस ऑडियो वायरल का क्या सच्चाई है, भारत लाइव इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस ऑडियो जो वायरल हुआ है, इसमें क्या कुछ विधायक खरीद फरोख्त हो रहा है, बिहार विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले जो ऑडियो वायरल हुआ है, उसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। झारखंड जेल के जो आईजी हैं, उन्होंने इस ऑडियो के जांच का आदेश दे दिया है। इसके बाद से कहा जा रहा है लालू प्रसाद के सिर पर खतरा मंडरा रहा है, हो सकता है कि जेल से रिहा ना हो। जिस तरह से लगातार सीबीआई जेल से बाहर होने को लेकर, रिहा होने को लेकर के बार बार कह रहे हैं कि वो सज़ा पूरा नहीं किया है, आधा सज़ा नहीं हुआ है, तो इसी को लेकर के बार बार इसका विरोध कर रही है सीबीआई अदालत में। मतलब कहा जाए कि इनको अभी बेल पे रिहा नहीं होना चाहिए, आधा सज़ा इन्होंने पूरा नहीं किया। वहीं लालू प्रसाद यादव के वकील ने बताया कि इन्होंने आधा सज़ा पूरा कर लिया है, इनको बेल मिल जाएगा। 5वीं सुनवाई होनी है कल, उसके बाद हो सकता है कि वो रिहा हो जाए, लेकिन ये जो पेच फंसता नज़र आ रहा है, इसके बाद हो सकता है राजद के कुनबे में, राजद के समर्थक में, महागठबंधन के समर्थक के चेहरे पर मायूसी देखने को मिले। जिस तरह से ऑडियो वायरल हुआ है, उसमें क्या कुछ मामला सामने निकल के आने वाला है, ये देखने वाली बात होगी और दिलचस्प होगी, क्योंकि सीबीआई की भी नज़र इस पर बनी हुई है। लगातार इसको लेकर के अदालत के दरवाज़ा खटखटा रहे हैं सीबीआई और कह रहे हैं इनको, लालू प्रसाद यादव को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। ये तो अब कल का दिन बेहद दिलचस्प रहेगा लालू के समर्थक और सत्ता पक्ष के लिए। क्या बाहर लालू प्रसाद यादव आते हैं, हम लगातार आपको बता रहे हैं। जिस तरह से पिछले बार भी हमने बताया था आपको कि केस में सुनवाई चल रही है, केस टाला गया है, सुनवाई टाला गया है, डेट आगे बढ़ाया गया है, डेट एक्सटेंड किया गया है, लेकिन कल 27 नवंबर है, कल का डेट मुकर्रर किया गया है। कल हो सकता है लालू प्रसाद यादव, 5वें सुनवाई हो रही है, 5वें केस पे जो चारा घोटाला, चर्चित चारा घोटाला केस में वो जेल में है, उन पर 5वें केस में सुनवाई हो रही है, जिसमें कल एक अहम फैसला आना है। ऑडियो टेप के मामले में लगातार हम आपको बता रहे हैं, बार बार कह रहे हैं ये पेच फंस रहा है। सुशील मोदी का बयान ऑडियो जो वायरल हुआ है, उसको लेकर के जांच बिठाई जा रही है, जांच बिठाई गई है, और जो लालू प्रसाद के जो खास बॉडीगार्ड हैं, उनके लिए भी दिशा निर्देश जारी किया जा चुका है। जहां जिस जेल में है, उस जेल के आईजी, झारखंड जेल के जो आईजी हैं, उनको उन्होंने ये आदेश दिया है कि उस ऑडियो टेप का जांच किया जाए, उस पर जांच करके क्या कुछ खुलासा होता है हम आपको बताएंगे। लगातार आप भारत लाइव को देख रहे हैं, ऐसे ही आप देखते रहें। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती तो हमारी खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारी खबर को, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।